फ्रेंच सुपरस्टार केलियन एम्बाबे विश्व कप को 12 वर्ष इतिहास में फाइनल खेल में हैट्रिक गोल पूरा करने दोस्रो खिलाड़ी बनेका छन्। यसअघि 1966 में इंग्लैंड का जियोफ हर्स्ट ने फाइनल में हैट्रिक गरेका थिए। फ्रेंच चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी का एम्बाबे ने अर्जेन्टिना ने दुईपल्ट अग्रता लिएको अवस्था में गोल करी खेल बराबरी में ल्याए। पहिलो हाफमें अर्जेन्टिना ने दुई गोल को अग्रता बनाएर फ्रान्सलाई दबाव में राखे थियो। दोस्रो हाफ में सुधारिएको फ्रांस का लागि एम्बाबे ने दुई गोल करी खिलाड़ी अतिरिक्त समय में लगे थे। उनके 80 मिनट में पेनाल्टी में गोल करे, इसको अर्को मिनटमें गोल करी खेल बराबरी गरेका थिए। 30 मिनट को अतिरिक्त समय में लियोनल मेसी ने अर्जेन्टिना का लागि गोल गर्दा फ्रांस फेरी पछि परेको थियो। तर 118 मिनट में पेनाल्टी मार्फत नै गोल गरी विश्वकप में आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे तथा खेल बराबरी में ल्याए। पेनाल्टी सुट आउट में फ्रांस का दुई खिलाड़ी ने गोल गर्न नसक्दा अर्जेन्टिना 4-0 गोल अंतर ले विजय रह्यो। विश्वकप में 8 गोल गरी एम्बाबे ले गोल्डन बुट अवार्ड जितेका छन्। 4 वर्ष अघि फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउन निर्णायक प्रदर्शन गरेका एम्बाबे ले विश्वकप में अहिलेसम्म 12 गोल गरेका छन्। तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रीवन सबको कथा कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला। हामी भने तपाईमाझ फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।